कैसे हैं आप सब लोग, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने आप लोगों के लिए सरस्वती पूजा मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो चलिए मेरे मेकअप लुक को जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं डर अनक्लोज क्लोज पोर्सीज ब्राइटन स्किन कंट्रोल सीबम प्रोडक्शन, तो ये इतनी सारी आपके स्किन की जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेगा। और ये बिल्कुल पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री और क्लोटी फ्री है, जो कि आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे पर्पल का सीरम यूज़ करूँगी, जो कि विटामिन ई और सी वाला सीरम है। अगेन ये आपके जितने भी फेस पे पिंपल्स के स्पॉट्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट या फिर ब्राउन स्पॉट्स, उनको रिमूव करेगा, आपकी स्किन को इवन टोन बनाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे आप गुड वाइब्स की क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, जो कि कोकोनट ब्राइटन क्रीम है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी और साथ में ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगी। तो एक अच्छा मॉइस्चराइज लगाना, बिल्कुल भी स्किप ना करें अपनी स्किन को, हरदम मॉइस्चराइज रखें विंटर के टाइम में, ताकि आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट सपल रहे। तो अच्छा एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर से आप परचेस करके रखें अपने पास में, एक थिक मॉइस्चराइज़र सर्दियों में, जो कि काफ़ी अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अब अपनी आँखों को कंसील करूँगी, और ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और मेरा शेड है इसमें 3 लाइट मोइन। तो सबसे पहले आप आई शेडो लगाने से पहले अपनी आंखों को एक अच्छे से कंसीलर से सेट करें, ताकि जो भी आप कलर अपनी आईज़ के ऊपर लगाएं वो अच्छी तरीके से पॉप अप होए। तो इसको मैं ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी है कंसीलर, और साथ में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी स्किन के ऊपर ये फैलता है। और ये मैं अब यहाँ पर इसको एक लूज़ पाउडर से अच्छे से सेट कर लूँगी, हल्का हल्का लगा के। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, इसमें से एक लाइट कलर लूँगी मैं, ताकि आँखों के ऊपर एक अच्छी सी क्रीज बन जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से आप ब्रश की सहायता से इसको अच्छे से ब्लेंड करो। आई शेडो को जितना अच्छे से ब्लेंड करोगे आप, उतना ही अच्छा से वो उभर के आएगा, कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए आई शेडो के ऊपर। तो मैं ये बिल्कुल लाइट सा कलर लेके एक अपनी आँखों के ऊपर इसको अच्छी तरीके से फैला लूँगी ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से। और नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे ग्रीन कलर अब लगाऊंगी, जो कि मैं ये मॉर्फी की जैकलिन हिन पैलेट है, जो ये यूज़ कर रही हूँ इसका ग्रीन कलर ले रही हूँ। ये मॉर्फी की जो पैलेट है जैकलिन हिल वाली, उसकी ये फर्स्ट कॉपी है। और इस तरीके से ग्रीन कलर को लेके अगेन अपनी आँखों पे क्रीज के ऊपर अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करूँगी, लेके थोड़ा थोड़ा लेके, जितना भी आपको अपना डिज़ायर कलर जब तक मिल ना जाए तब तक आप उसको हल्का हल्का लेके अच्छी तरीके से उस अपनी आई लिड के ऊपर ब्लेंड कीजिए। एकदम से सारा कलर एक संग ब्रश के ऊपर ना लीजिए, वरना फिर वो एकदम से एक ही जगह पर सारा कलर रह जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपनी आंखों के ऊपर कलर को लेके अच्छे से ब्लेंड करो, जब तक कि आपको आपका डिज़ायर कलर ना मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से कुछ मैं ग्रीन कलर को अपनी आई लिड के ऊपर लगा रही हूँ, अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए अभी मैंने इसमें और कलर लगाया है, क्योंकि अभी ये कलर इसका, इस ग्रीन कलर का पिगमेंटेशन बिल्कुल कम है, इसलिए इसको ज़्यादा लेना पड़ रहा है मुझे, बार बार लगाना पड़ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का शिमर लूँगी, देखिए इस तरीके से इसको अपनी आई लिड के ऊपर लगाऊँगी, उस कलर के ऊपर प्लेस कर दूँगी इस तरीके से। थोड़ा सा ये मेरे आँखों के ऊपर फॉल आउट हो गया था, तो इस तरीके से मैं ये जो भी ये कलर है इसको उसके ऊपर प्लेस करके ऊपर की तरफ से हल्का हल्का ब्लेंड कर दूँगी, ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। जो भी बिगिनर्स हैं वो भी इस मेकअप को अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, इस आई शेडो को अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सा सिंपल तरीके से मैंने मेकअप करा है। और यहाँ पे एक डोम शेप के ब्रश से मैं ब्राउन कलर को लेकर अपनी आई लिड के ऊपर अगेन इसके ऊपर प्लेस करके इसको इस तरीके से देखिए गोल गोल करके इसको ब्लेंड करूँगी, ताकि दोनों आपस में मिक्सअप हो जाएँ और ग्रीन कलर अलग से लगा हुआ दिखाई ना दें। ये देखिए इस तरीके से कितना प्यारा कलर हो गया इसका, इस तरीके से।
नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो पेंसिल लूँगी जो एफ सी की है, और उससे अपनी आईब्रोज़ को शेप दूँगी इस तरीके से। ये देखिए आईब्रोज़ को आप शेप देने से पहले ऊपर की तरफ करके शेप दिया कीजिए, इस आगे की तरफ से ज़्यादा पेंसिल ना लगाए करें वरना एकदम आर्टिफिशियल लुक देगा वो। तो आगे की तरफ से पेंसिल को ऊपर की तरफ ले जाकर फिल किया करो आईब्रोज़ को, देन पीछे की ओर ले जाके उसको शेप दे दिया करें। जो भी आपके आईब्रोज़ का शेप हो, गोल हो, चाहे जैसा भी आपको पसंद हो शेप, उस अकॉर्डिंग आप पेंसिल से अपना शेप क्रिएट करा कीजिए इस तरीके से। और फिर इस किस्म जो एक ब्रश आया था पेंसिल के साथ में, उससे मैं अपने आईब्रोज़ के ऊपर ब्रश को लगाऊंगी ताकि जो भी मैंने प्रोडक्ट यहाँ यूज़ किया है वो अच्छे तरीके से लग जाए, पूरी आईब्रोज़ में फैल जाए और ये एक ही जगह पर प्रोडक्ट इकट्ठा ना हो जाए। देखिए इस तरीके से ब्रश से मैं इसको अच्छी तरीके से फैला दूँगी, देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर लेके अपनी आईब्रोज़ के ऊपर उसको लगाऊंगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा शेप आ गया वो हट जाए। और ये देखिए मेरे बालों में थोड़ा सा कंसीलर लग गया था, और फिर उसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से उसको ब्लेंड कर देंगे ताकि जो आपकी आईब्रोज़ आपने शेप दिए वो अच्छी तरीके से दिखाई दे और अच्छा शेप आ जाए उसका। ये देखिए इस तरीके से। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कंसीलर लेके अपनी अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, और ये देखिए अपने नोज़ पे, अपने माउथ एरिया में और चिन पे। और गाइस फाउंडेशन की जो क्लिप थी वो मुझसे डिलीट हो गई है, तो नेक्स्ट मैं सीधा यहाँ पे कंसीलर पे आ गई हूँ इसलिए। तो अब ये इसको मैं अच्छी तरीके से एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी डैब डैब करके इस तरीके से। तो ये जो कंसीलर शेड है मेरी स्किन से एक शेड लाइट लिया है मैंने ताकि जो मेरी अंडर आइज़ है वो हाइट लाइट हो सके। और नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे शुगर का कंटूर पैलेट ले रही हूँ और अपनी अच्छी तरीके से कंटूर करूँगी अपनी चीक्स को ताकि मेरे जो फेस है उसको थोड़ा सा डायमेंशन मिल जाए और जो मेरे चीक्स है वो एक वो थोड़े से चीज़ों से दिखाई दे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसी कंटूर को हल्का हल्का अपने नोज़ पे, अपने फोरहेड पे और अपने जॉ लाइन में इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी ताकि एक शेप अलग से उभर के आए, क्योंकि फाउंडेशन लगाने से आपका फेस एकदम वाइट वाइट हो जाता है थोड़ा सा, तो ये आपके फेस के जो कलर को सेट करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, तो मैं मीडियम स्किन टोन की हूँ इसके लिए मैं लाइट पीची शेड यूज़ कर रही हूँ, पिंक कलर नहीं लगा रही इस तरीके से स्माइलिंग पोजीशन में। नेक्स्ट मैं यहाँ पे निविया का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करूँगी ताकि लिपस्टिक लगाने से पहले मेरे लिप्स जो है मॉइस्चराइज रहे। अब मैं यहाँ पे अपना एन वाई बे का लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए छोटा सा विंग बनाऊँगी अपनी आइज़ पे, ज़्यादा बड़ा विंग नहीं बनाऊँगी, छोटा सा विंग बनाऊँगी इस तरीके से। देखिए अपने आई लाइनर को सेट कर रही हूँ मैं, आप भी कुछ इस तरीके से छोटा सा विंग लाइनर बनाए कीजिए और अपने लुक के अकॉर्डिंग ही आप अपने आईलाइनर को चूज़ कीजिए कि आपको बड़ा विंग चाहिए या छोटा चाहिए या फिर सिंपल मेकअप लुक चाहिए आइस के ऊपर आपको। नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे अपने जो आई लैशेज़ है उनको कर्ल करूँगी इस तरीके से। आई लैश को कर्ल करने से थोड़ी सी मस्कारा लगाने के बाद वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है। और उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का कलर से मस्कारा यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से अपने लैशेस पे। और फिर ऑफ़ कैमरा मैं अपनी आई लैशेज है जो वो अपीयर कर लूँगी अपनी आईज़ के ऊपर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एस क्यू का काजल यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा ब्लैक काजल है और अगेन अफोर्डेबल प्राइस में भी है, तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। इस तरीके से मैं अपनी आंखों को बंद करके काजल लगाऊंगी जिससे मेरी अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों पे एक संग काजल लग जाए। तो आपको ऐसी ट्रिक करने से ऊपर वाटर लाइन पे अलग से काजल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं यहाँ उसी डोम शेप के ब्रश से अपनी आँखों के आईलेट के नीचे नीचे हल्का सा ब्लैक कलर लेके और अपने काजल को स्मोक आउट करूँगी ताकि वो फैले ना बाद में और थोड़ा सा अच्छा सा लुक भी दे मेरी आँखों को। इस तरीके से धीरे धीरे से आप ब्लैक कलर को लेके अच्छी तरीके से उसको ऐसे ब्लेंड कीजिए इस तरीके से। देखिए कितना प्यारा लुक आता है ऐसे आंखों में, आप ट्राई करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट में यहाँ पे अगेन एक ब्रश से ग्रीन कलर को लेके अपनी लोअर वाटर लाइन के ऊपर इसको अच्छी तरीके से स्मज करूँगी धीरे धीरे से, हल्का सा ग्रीन लुक आएगा आपके आइज़ के नीचे की तरफ तो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में वो। तो वॉइस ओवर करते टाइम मैं बीच में इसलिए रुक रही थी क्योंकि मेरा बेटा रो रहा था, तो सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं शुगर की जो पैलेट है उसमें से यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी मैं इस तरीके से, ब्रिज ऑफ दी नोज़ को हाईलाइट करूँगी
और जो भी मेरे आईज़ के इनर कॉर्नर है उनको हाईलाइट करूँगी मैं इससे धीरे धीरे से। देखिए इस तरीके से, मैं कोई मेकअप एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बस ऐसे ही वीडियोस देख देख के मैं भी सीखूँ। तो आप भी अगर मेकअप लवर हैं तो आप भी इस तरीके से वीडियोस देख के धीरे धीरे ट्राई करने की कोशिश कीजिए और फिर सीखा कीजिए। इस तरीके से लिप्स के ऊपर मैं अपने हाईलाइट करूँगी इस तरीके से। ये देखिए कितना प्यारा हाईलाइट हुआ है। इसके बाद अब जब आप लिपस्टिक लगाओगे तो आपके जो लिप्स हैं वो बहुत ही प्यारे नज़र आएंगे। इस तरीके से मैं चीक बोन्स के ऊपर भी अपना हाईलाइटर लगाऊंगी। आप चाहे तो फिंगर टिप की मदद से भी इसको लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहे तो ब्रश यूज़ कीजिए, आप चाहे तो अपनी फिंगर टिप से यूज़ की करके लगा दीजिए। कोई ट्रिक ऐसी कोई स्पेशल एक ट्रिक नहीं है मेकअप के लिए कि इसी से ही करना है। चाहे आप हाथ से कीजिए, चाहे ब्रश से कीजिए, मेकअप ब्रश से कीजिए, चाहे आप ब्यूटी ब्लेंडर से कीजिए, किसी से भी कीजिए। बस तरीका अच्छा होना चाहिए और आप फिर कुछ भी करके कीजिए, आपका फेस एकदम उभर के आएगा, आपका मेकअप लुक बहुत ही सुंदर बन आएगा। ये देखिए नीचे की तरफ मैं अपने फेस के ऊपर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। तो विंटर का टाइम इसलिए पूरे फेस पे मैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाऊंगी, वरना फेस ड्राई ड्राई सा लगेगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे एसक्यू की मिनी लिक्विड लिपस्टिक लगा रही हूँ, इसका शेड नंबर है 5, जो कि काफ़ी प्यारा रेड कलर है। तो ये थोड़ा सा मेहरून काइंड ऑफ रेड कलर है जो कि आपके लिप्स पर लगाए हुआ काफ़ी अच्छा लगता है। इंडियन स्किन टोन पर ये कलर बहुत सुंदर लगता है। तो नेक्स्ट मैं अब यहाँ पे अपनी ज्वेलरी वेयर करूँगी। आउटफिट मैंने अपना ऑफ कैमरा लगा लिया है, हेयर स्टाइल बना लिया है, बालों में सिंपल सा एक मैंने लो बन बनाया है और एक गजरा लगाया है येलो कलर का। सरस्वती पूजा का दिन है तो सब कुछ येलो येलो होना चाहिए, येलो साड़ी, येलो गजरा। तो बस अब मैं अपने हाथों को लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र, निविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है मैंने। नेक्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी एक छोटी सी बिंदी ग्रीन कलर की। इंडियन आउटफिट जब तक बिंदी ना लगाओ तब तक कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी बैंगल्स वेयर करूँगी। तो ये देखिए मैं अपनी बैंगल्स पहन लेती हूँ और बस फिर फटाफट से हम हो जाते हैं पूजा के लिए रेडी। और लास्ट में मैं लगाऊँगी सिंदूर अगेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लुक को कम्प्लीट करता है। और फॉल्स लैशेज मैंने वेयर कर ली है ऑफ कैमरा। तो चलिए मिलती हूँ फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तेरा हुआ दिया का दिया।
Thank you.